नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 1 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का आपका हिंदी, और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की आपकी 6 अप्रैल 2021, और विषय है आपका इसमें हिंदी में आपका हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में नीचे ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों एवं परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, कैदी में से बंधन में आपको कैसा महसूस करते होंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव का जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सब बच्चे अभी क्या है, घर पे ही है, घर से आप अपनी पढ़ाई करें तो आपको क्या लग रहा है, कैदी जैसा लग रहा होगा। और जो हमारी पोएम है आज की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो भी पंछियों से रिलेटेड है। जब वो बंद हो जाते तो उनको कैसा लगता है, आज हम वही पढ़ रहे हैं। संदर्भ है पार्ट 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता है, आपकी भाग 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और लिखी किसने बच्चों, श्री मंगल सिंह सुमन ने। वसंत भाग 2 का ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरम बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुब निभोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसका मतलब देखते हैं क्या है। चिड़िया कहती है, हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों भले ही वह सोने का ही क्यों न हो, इनसे टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता पानी जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निबोरी, सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। तो पक्षी कहते हैं कि हमें कैद में नहीं रहना है, चाहे सोने का ही क्यों ना हो, हमारी जो कड़वा नीम है वो भी एक सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदे से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। उन्मुक्त का क्या मतलब है यहाँ पे, बंधन मुक्त खुला हुआ, पिंजरबंद पिंजरे में बंद, कनक मतलब सोना, पुलकित मतलब खुशी हर्ष से प्रफुल्लित, कटुक मतलब कड़वी, और निबोरी मतलब नीम का फल। ठीक है, कटुक मतलब कड़वी। आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट को। आगे हमारे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो आंसर है इसका, क्योंकि पक्षी पिंजरे में रहकर गा नहीं पाते हैं, पिंजरे से टकरा कर उनके पंख टूट जाते हैं, इसलिए वे पिंजरे में नहीं रहना चाहते। ये आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कड़वा नीम का फल निम्बोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया, क्योंकि कड़वा क्या, नीम तो कड़वा होता है, और उसको जो मैदा की कटोरी है उससे सोने की मैदा की कटोरी में रखा मैदा से बच्चा क्यों कहा गया है, क्योंकि आज़ादी सबको प्रिय होती है। आंसर है इसका, कैब में रहकर अच्छे से अच्छा खाना भी बुरा लगता है, वही आज़ाद रहकर हमें कड़वी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं, कैसे। क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना कि क्या जो पक्षी होते हैं वो भी मनुष्य की तरह हंसी खुशी उल्लास उनके मन में भी आता है या नहीं आता है। तो आप लिखेंगे इसमें, हाँ मुझे लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह भी मनुष्य की तरह अपने बच्चों के साथ झुंड में रहकर रहना पसंद करते हैं। क्योंकि देखो, हम भी क्या अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और हमें भी लोगों के साथ रहना पसंद आता है, वैसे ही पक्षियों को भी झुंड में रहना पसंद है। तो हम कह सकते हैं कि इनको भी हमारी तरह भाव महसूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का आपका, नेक्स्ट है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाई। तो आपने कौन कौन से पक्षी देखे उनकी आपको सूची बनानी है। इसमें आप लिखेंगे गोरैया, मोर, तीतर, नीलकंठ, तोता, चील, कबूतर आदि। ठीक है, तो सारे आपके आपने पक्षी देखे होंगे, तो इनके आप यहाँ पे नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस वर्कशीट का, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो इसमें आप लिखिए, मुझे मोर सबसे अच्छा लगता है, यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर नाचता है तो सबके मन को मोह लेता है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5-2 फुट होती है। ठीक है, तो मैंने मोर के बारे में लिखा। अगर आपको कोई और पक्षी पसंद है, जैसे तोता, ठीक है, कोयल, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी समाप्त हो गई है। अगर आपको वर्कशीट का सोल्यूशन समझ में अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल ऋषभ कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और साथ में जो बेल आइकन होगा उस पर आप क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।